स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को हम पढ़ाने वाले हैं। बढ़िया से देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से देखने पर ही समझ में आता है। आपको बता दें कि बाइनोमियल थ्योरम का यह तीसरा क्लास है, पहला और दूसरा जब देख लेंगे आप ना, तो तीसरा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आइए बढ़िया से सब कुछ समझा जाए, देखा जाए क्या है क्या नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का पहला सवाल, सवाल से शुरू करेंगे फिर बीच में कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, मजा ही मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, सो डैट 9^(n+1) - 8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64 से ये कटेगा, विभाजित हो जाएगा, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। और जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कैसे बनाएंगे, हमको ये चीज़ समझ लेना है आज, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, देखिए 9n (n+1) - 8n - 9 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1+8n+1 -8n, देखिए ध्यान से -9। अब यार ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ आते हैं तुरंत, यहाँ पे एक चीज़ याद करना पड़ेगा, 1+x का जब पावर n रहता है तो इसका एक्सपेंशन क्या मिलता है, चलिए 1+nx+ क्या मिलेगा बताइए, nc2, उसके बाद x²+nc3x³, ऐसे ही तो होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है 8, या x का काम कर रहा है मन सोच लीजिए, और ये कर रहा है पावर का काम, पावर क्या है n है, इस पावर n का काम कर रहा है, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1+x का पावर n है, तो 1+nx तो n × 8 n+1 या n का काम कर रहा है × x 8 प्लस n+1 c 2 है ना। यहाँ पे x का मान क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस n+1 c 3 8 का क्यूब प्लस आगे ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर क्या है ब्रैकेट कर लीजिए -8n - 9 1+8n कर सकते हैं, उसके बाद +8 + n+1 c 2 64 + n+1 c 3 8 क्यू कर लीजिए, 8 सुनिए 8 का स्क्वायर रखिए, यहाँ पे फायदा करेगा, 8² 8 क्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 क्यू को 8 × 8² आगे वाले टर्म में तो 8² आना ही आना है, ठीक है ना, -8n - 9 है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 8n है इससे कट जाएगा, ये घट रहा है ना तो कट जाएगा, उसके बाद 1+8 9 9 से 9 कट जाएगा, क्लियर ही कट गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास देखिए ये टर्म बच गया, ध्यान से देखिए ये टर्म बची, ये टर्म बच गया, आगे ही बचेगा। तो सब में एक चीज़ दिखाई दे रहा है हमको कि यहाँ पे 8² है तो 8 कमन हो जाएगा, 8² कमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, n+1 c 2 + n+1 c 3 और 8² कमन हो गया तो 8 बच गया यहाँ पे, प्लस आगे भी करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो 4, 8² कमन है तो 8² बचेगा, चलिए सही का होगा, बच गया हमारा। तो अब बताइए पूरा पार्ट है, यहाँ पे 8² क्या हो गया, 64 हो गया, ये पूरा पार्ट जो है क्या 64 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे विच इज डिविजिबल बाई 8² मतलब 64 से डिवाइड है ना, 64 से डिवाइड प्रूव्ड हो गया ये, 8² कहें चाहे 64 कहें, लिख देंगे डिविजल बाई 64 प्रूव्ड हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ कर अच्छा से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से बना सकते हैं आप, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर लेके आ रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, और लाजवाब है, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझे ना। कह रहा है क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, विच इज लार्जर, देखिए
विच इज लार्जर, कौन बड़ा है, 1.01 का पावर क्या से, देखिए इकाई दाहिन सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, 1.01 का पावर 10 लाख या 10,000, ये बड़ा है या ये बड़ा है पता करना है हमको। चलिए पता किया जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए ना क्या करें, विच इज लार्जर, कौन बड़ा है, ये या यह बड़ा है। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ना, सबको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन देखिए हमारे पास क्या है, 1.01 का पावर 10 लाख, कहीं दाहीं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, 6 जीरो, 1 पे से 1 जीरो कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.01 कर सकते हैं, इसका पावर 10 लाख, देखिए राम धर्म से घबराने की बात नहीं है। अब 1 प्लस x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस x वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं कि 1 प्लस x का पावर जो n है ये क्या कहता है, 1 प्लस nx प्लस nc2x² प्लस ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये ना कह रहे हैं हम, तो सिंपल सी बात है, चलिए 1 1 प्लस nx क्या है, n का मान 1 है, n का मान 10 लाख है, चलिए गुने 1 प्लस nc2, तो n 10 लाख c 2 और क्या x, x काम कौन कर रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे nx जो है ना, nx यहाँ पे गलती लिखा गया, x का काम तो ये ना कर रहा है, x का काम ये कर रहा है, तो x का काम कर रहा है तो लिखा जाएगा हमारा 0.01, ये लिखाएगा ना, ये यह x का काम कर रहा है, गलती से लिखा गया था, x का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए x, x क्या है आपका 0.01 है ना, उसका स्क्वायर, क्लियर, प्लस फिर क्या होगा, nx3 हो गया, अब आगे nx3 है ना, उसके बाद 0.01 का पावर 3, ऐसा ही तो चलने वाला है ना। चलिए अब एक बात समझिए, यहाँ पे सिंपल सा बात समझते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिए, देखिए क्या है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जो भी हो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए 1 है यहाँ पे, 1 तो होना ही है, 1 प्लस इसमें देखिए 2 पॉइंट है तो 2 को 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया, 10,000 है ना, ठीक है, प्लस और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी क्वांटिटी आएगा, जो भी आने वाला है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ना आएगा, उसका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 तो सब नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए तो ये हो गया आपका क्या, ये पूरा देखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 10,001, देखिए काई दाई सैकड़ा हजार दस, 10,001 हो गया, प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो अब देखिए पूरा का जो मान है, पूरा का मान 10,001, तो ये हो गया कुछ ना कुछ इसमें से मिलेगा जुड़ेगा, तो पूरा का मान क्या हो गया, पूरा का मान जो है आपका 10,000 से हमेशा बड़ा ही मिलेगा आपको, 10,000 से क्या हो गया, बड़ा ही मिलेगा, ये 10,000 से आपको बड़ा मिलेगा, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, तो कौन बड़ा है, देयरफोर 1.01 का पावर देखिए इतना इज ग्रेटर या लार्जर देन क्या, 10,000 से ही बड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपकी किताब में जब आएंगे कहीं भी प्रूव करने के लिए, ऐसा ही माइंड लगाएगा, ऐसा ही दिमाग लगाएगा ना, तो क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं ना है, आपको हर चीज़ आसानी से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अब देखा जाए कुछ अलग कॉन्सेप्ट अलग तरीके से, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स किससे किस में, देखिए पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्या करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्या है इसको समझिए, कह रहा है आपसे कि a प्लस बी का पावर n होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n, इसमें कितने टर्म्स होंगे, एंड दूसरा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे
ए प्लस बी का होल पावर एन माइनस ए माइनस बी का होल पावर एन, इसमें कितने टर्म होंगे? तो बात साफ है, यहाँ पे क्या है, बात साफ है कि यहाँ पे इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, सारा खेल है कि एन पर डिपेंड करता है। एन ऑड हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, और इवन भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है। चलिए, तो जब प्लस वाली बात आए तो देखिएगा, इफ़ एन इक्वल टू ऑड, इवन लिखते हैं पहले, इवन होगा तो क्या होगा, अगर एन का मान क्या होगा, इवन होगा तो करना क्या है, तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स क्या होंगे, तो एन प्लस टू कर देंगे, ठीक है ना, एन में दो जोड़ देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे दो से, इतना मिल जाएगा आपको टर्म मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें एन इक्वल टू ऑड की, एन इक्वल टू ऑड की, तो टर्म्स क्या होंगे, क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें समझने वाली बात है कि एन जैसे ऑड होगा तो एन प्लस वन कर दीजिए, बाई टू कर दीजिए, इवन में दो जोड़ना है, ऑड में वन जोड़ना है, बात बाई टू तो करना ही है। चलिए, इसमें भी केस बनता है कि इफ एन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इवन लिखते हैं पहले, इवन हो जाए, एन अगर माइनस वाले में इवन है तो टर्म्स कितना होंगे, करना कुछ नहीं है, टर्म्स बराबर टर्म की संख्या कितनी होगी, तो एन बाई टू। अगर क्या होगा, इफ एन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो टर्म्स कितना होंगे, बोलिए, टर्म्स हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू। देखिए समझ रहे, तो देखिए चीज समझ में आ रहा है कि दोनों केस में ऑड का जब बात आएगा, ऑड का, तो ऑड में टेंशन नहीं है, एन प्लस वन करना है, बाई टू कर देना है। अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ एन बाई टू कीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो एन प्लस टू बाई टू कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको पॉइंट इस पॉइंट पे फोकस करने वाली बात है, समझे ना। जैसे देखिए पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें कितना टर्म होगा, जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, जैसे ए प्लस बी का पावर 100, अब प्लस कर दिया हमने ए माइनस बी का पावर 100, तो इसमें कितना टर्म होगा, टर्म कितना टर्म्स होगा, टर्म कैसे होगा, देखिए तो करना क्या है, देखिए ये क्या इवन है ना, क्या आपका इवन है, इवन है ना, क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या बताया हमने कि सम संख्या और प्लस की बात, तो क्या करेंगे हम, इसमें एक जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे, बटा दो कर देंगे, 102 बटा दो कितना होगा, 51 होगा, क्या होगा, 51 होगा, 102 बटा दो 51, 52 बटा दो 51 नहीं हो गया, समझ लेना बात को। टर्म्स निकालना आसान है, टर्म की संख्या निकालना आसान है, जैसे एक और क्वेश्चन है तो यहाँ हवड़ाइएगा नहीं, जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए अगर हमने क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे कितना, एक्स प्लस टू आई है ना, इसका पावर कितना 20 प्लस एक्स माइनस टू आई, इसका पावर कितना कर दिया 20, ठीक है ना, कितना टर्म हुआ, देखिए हमने कहा कि जोड़ की बात है, तो क्या करेंगे हम, इसमें दो में और जोड़ देंगे, बट्टा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो कर देंगे, कितना होगा देखिए, तो कितना होगा देखिए यहाँ पे 22 बटा दो 11 हो गया, है कि नहीं है, तो आसान है कि नहीं है। तो देखिए अगर इस तरह काम करना है, अगर इवन हो तो दो जोड़ना है, दो कर बटा दो करना है, अगर ऑड हो तो क्या करना है आपको, करना है आपको एक जोड़ के बटा दो कर देना है। तो इवन ऑड की समझ में आ गई आपको, क्लियर बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसमें कुछ और भी टर्म आता है, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट वाला समझिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट, तो हेडिंग क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट्स, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट क्या होता है पहले समझाएंगे आपको, फिर आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे। ग्रेटेस्ट कोफिशियंट महत्तम गुणांक, अगर आपको लगता है कि स्लो पढ़ाते हैं हम तो आप फास्ट कर सकते हैं, कोफिशियंट्स मतलब महत्तम लिखेंगे, महत्तम गुणांक, हिंदी अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत अल्टर चलता है आता होता है, चलिए महत्तम गुणांक हो गया, यहां समझिए यहां पे क्या है कि जैसे आप बात समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है, देखिए तो इसका कोफिशियंट 1 है यहाँ पे, इसका भी 1 है यहाँ पे, इसका कितना है 2 है, तो क्या कहलाएगा आपका, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट कहलाएगा, जीसी कहलाएगा, ठीक है ना। फिर समझिए ए प्लस बी का होल क्यों करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होता है देखिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अच्छा इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा बड़ा कोएफिशिएंट क्या है, दो गो कोएफिशिएंट मिल रहा है। जब भी देखिए पावर ऑड है तो दो गो मिलेगा यहाँ पे, और दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि छोटा छोटा पावर है तो आराम से आप निकाल सकते हैं, जब बड़ा पावर हो तब कैसे निकलेगा, इस पर चर्चा करना है। चलिए तो इस पर देखिए, तो इसका मेन बात समझिए कि अगर ए प्लस बी यहाँ पे दिया गया है, इसका पावर क्या है, एन है, ठीक है ना। इसमें किसकी बात चल रही है, जीसी की बात चल रही है, जीसी की, जीसी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात चल रही है ना। तब क्या करेंगे हम, है ना, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की जब बात चल रही है तब हम लोग क्या करेंगे, सवाल यहाँ पे ये है। आइए यहाँ पे देखा जाए क्या हो रहा है। चलिए तो इसमें मेन खेल क्या है, एन पर है, एन ऑड भी हो सकता है, एन इवन भी हो सकता है, एन इवन भी होगा, एन ऑड भी होगा, ऑड एन ऑड भी होगा। तो इवन ऑड का खेल देखिए क्या है, सवाल यहाँ पे ये होता है। देखिए जैसे जिसे इवन होगा यहाँ पे इवन, तो जीसी क्या निकलेगा, देखिए जीसी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या निकलेगा यहाँ पे, देखिए एन सी और एन बाई टू कर लीजिएगा बस। जैसे इवन होगा, इवन में तो कोई टेंशन नहीं है, ये कर लेंगे हम। और जैसे ऑड होगा, तो ऑड में दो गो आएगा ना, तो दोनों में देखिए क्या करेंगे, जीसी यहाँ देखिए, इसमें जीसी कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए जीसी ऐसे कैसे निकालेंगे, तो लिख लेंगे एन एन माइनस वन बाई टू कर लेंगे एक बार, एंड एन सी एन प्लस वन बाई टू कर लेंगे एक बार, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे बटा दो करेंगे। तो ये दो तरीका हुआ। जैसे मान के चलिए हमसे कोई पूछेगा कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कह रहे क्वेश्चन में, जीसी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन किस में, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन ए प्लस बी का पावर 100 में, इसमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, 100 सी और 100 बटा 2, क्योंकि हमने क्योंकि ये इवेन है तो क्या हो जाएगा 100 सी 50, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ऑड है इवेन है, ध्यान रखिएगा इवेन ऑड का खेल देखते हुए ही काम कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे भी लेते हैं कुछ अलग क्वेश्चन को, ये सब चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी होता है ना, तब जाके पकड़ में आएगी, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर वन। जैसे यहाँ पे दे दिया आपको क्या चीज़ दे दिया, ए प्लस बी का, है ना, ए प्लस बी का पावर दिया है 10, इसमें ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा बताइए, करना कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 सी इवन है ये 10 बटा 2 कितना होगा 10 सी 5, यही क्या होगा ग्रेटेस्ट पूर्णांक सॉरी ये कोएफिशिएंट होगा। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी का पावर 11 चाहे 19 कर दिया हमने, इसमें दो निकलने वाले हैं, एक क्या हो जाएगा देखिए 19 सी 19 में एक जोड़ दो आधा कर दो, 19 सी 19 में घटा दो आधा कर दो, दो आना आने वाला है, तो 19 सी और ये हो गया 10, 19 सी और क्या हो गया 9। और आपको बता दें कि दोनों क्या होगा, दोनों तो बात इक्वल ही है ना, दोनों तो इक्वल ही हैं, इक्वल ही आएगा, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी आप लोग निकाल सकते हैं, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए।